अंशुल मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। बांदा के भवेरू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मतदाता जागरूकता रैली उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों पर निकाली गई है। वहीं मतदाताओं को मतदाता लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने के लिए जागरूक किया गया है। पूरा मामला बांदा जनपद के भवेरू कस्बे का है, जिसमें चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बांदा न्यायालय के निर्देशन पर भवेरू उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जेपी शर्मा इंटर कॉलेज के छात्रों के साथ इंटर कॉलेज से रैली की शुरुआत कर कस्बे में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें छात्रों के द्वारा हाथ में बैनर लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों में भ्रमण कर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और 18 वर्ष की आयु वाले युवक और युवतियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और मतदाता के करने को लेकर जागरूक किया गया। वहीं मतदाता जागरूकता रैली पर तहसीलदार अजय कुमार पटिया, नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी, मतदाता सूची लिपिक नरेंद्र सिंह, पराविधिक स्वयं सेवक अखिलेश कुमार बुधराज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और सैकड़ों की संख्या पर छात्र मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से रामू तिवारी की रिपोर्ट। जी सर, आज रैली निकाली गई है जेपी शर्मा इंटर का, किस प्रकार की रैली है, किसको लेकर जागरूक किया गया है? ये आज जेपी शर्मा इंटर कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। इसमें मतदाताओं को जागरूक किया गया है कि अपना आने वाले चुनाव में वो अपना मतदान कर सकें और जो लोग 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं वो अपना नाम जुड़वा सकें। इसको जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ।